एक सेकेंड, ये छुटकू हुआ, ये फिर से आ गया। बढ़िया, अभी मजा आया ना, बहुत ज्यादा बोल रहा था ये टेंगू मास्टर। बट आखिर में ये जो है मर चुका है कि नहीं मरा है? ये क्या नौटंकी हो रही है, मर गया। ये तो लाइक अपने जो लियोन है जॉन विक की तरह गन चलाता है जब पास में आ जाता है तब। एक सेकेंड, शेट शेट शेट, ये कौन है? ये अंदर से जल के क्यों आया, क्या कर रहा था ये अंदर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एच ऑन गेमिंग में। तो आज भी जो है हम यहाँ पे हमेशा की तरह खेलने जा रहे हैं रेजिडेंट ईविल 4। और रेजिडेंट ईविल 4 के लास्ट वाले पार्ट में तो आपने देखा ही था कि हमने उस टिंगू वाले मास्टर को जो है मार दिया था। और टिंगू मास्टर को मारने के बाद जो जैक है वो यहाँ पे एसले को उठा के ले जाता है एक बड़ी सी फैक्ट्री में, और जो एडा है हम उसके साथ लाइक बोट में जो है आते हैं पानी के थ्रू और वहाँ पे उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। बट वहाँ पे हमें काफी सारे जो है मॉन्स्टर्स मिल जाते हैं, तो सबको मारने के बाद जो एशले है वो हमें मिल जाती है। बट वो जो है एक रूम के अंदर बेहोश पड़ी होती है, और अभी हम ना उस रूम का एक कार्ड चाहिए जिसके थ्रू उस रूम का जो गेट है वो यहाँ पे ओपन होगा। तो आज जो है हम उस रूम का जो कार्ड ढूंढने वाले हैं, और जो एशले है उसको यहाँ पर हम अभी लेके जाने वाले हैं। तो फटाफट से अभी इस गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जो है हर बार की तरह अपने ट्विटर के जो है सामने की तरफ खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पर पता नहीं ये जो है क्या टंगा हुआ है। मेरे हिसाब से आपको तो पता ही है क्या टंगा हुआ है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ इसी चक्कर में यहाँ पे जो मक्खियाँ हैं भिनभिना रही थी। और राइट, तो यहाँ पर ना लास्ट वाले एपिसोड में, एक सेकंड, ये मैं देखना ही भूल गया, यहाँ पर भी एक बॉक्स वगैरह पड़ा हुआ था। और मेरे हिसाब से मुझे जो है इसके अंदर जाना है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई और रास्ता नहीं है, तो इसी के अंदर जो है चल लेता हूँ। और आया तो सबसे पहले बुरी खबर ये है कि जो लाइट है बंद चालू हो रही है। चलो एक सेकेंड, ऊपर भी रास्ता है क्या? ऑल राइट, कितनी बड़ी फैक्ट्री है भाई ये खुलेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए भी जो है मुझे कार्ड चाहिए। ये तो रेसिडेंट एविल 2 बन रहा है पूरा का पूरा, मुझे अभी रेसिडेंट एविल 2 जैसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि उसमें भी इसी टाइप की जो फैक्ट्री थी ना वो यहाँ पर थी। खैर रेसिडेंट एविल जो 3 है वो तो मैंने खेला नहीं है, तो उसका जो है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बट मैं जो है उसे जल्दी से जल्दी खेलने वाला हूँ। अरे कितने रास्ते हैं यार, ये लिफ्ट है क्या? अंदर बंदे हैं, अंदर की साइड बंदे हैं, मुझे आवाज आ गई है। ये वाला दरवाजा तो बंद है, मुझे जाना है डिसेक्शन में। गन तो सारी लोडी है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फ्रीज़र है, पहले फ्रीज़र में होके आता हूँ मैं। बट इसके लिए भी जो है मुझे एक सिक्योरिटी की चाहिए। अरे यार पूरा जो है लॉक्ड है सिक्योरिटी कार्ड से। वो जो कार्ड है मुझे इधर ही किधर मिलने वाला है, थोड़ा सा बच के रहना होगा बस मुझे। इसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। चलो ये उसी गेट के उस साइड में आ चुका हूँ मैं, इसको खोल के गन पाउडर, मुझे लगा था कोई स्विच वगैरह मिल जाएगा, इसको नीचे कर दूँ। बट लाइट नहीं है इधर, ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया वो। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बट यहाँ पे लाइट है। और यहाँ पे क्या पड़ा है, अटेंडिंग पैथोलॉजिस्ट, योर की कार्ड एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्लीज ब्रिंग योर लेवल 1 की कार्ड टू डिसेक्शन एंड फॉलो द प्रोसीजर ऑन द नेक्स्ट पेज। ओवरराइड कार्ड फॉर लेवल 2 क्लियरेंस यूजिंग द मशीन लोकेट इन फ्रीजर। ठीक है, तो लेवल अगर जब जैसे मुझे जो कार्ड है वो मिल जाता है उसको जो है मुझे लेवल 2 पे करने के लिए फ्रीजर में जाना है, उसके बाद उसे मैं अपग्रेड करा सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं उसे लेवल 3 पे कराना है तो मुझे इनक्यूबेशन लैब में जाना पड़ेगा। परमिशन टू सेज द मशीन्स, ऑल राइट, समझ गया। चलो इतना तो जो है पता चल चुका है मुझे, फ्रीजर में जाना है उसके बाद वहाँ पर जाना है। की कार्ड किधर है भाई, की कार्ड नहीं मिला मुझे, लेकिन इसमें से मिलेगा क्या? ऑल राइट, तो जो पावर है वो तो हो चुकी है यहाँ पर ऑन, तो मुझे जाना है सबसे पहले फ्रीज़र में कार्ड को अपग्रेड कराने के लिए, और उसके बाद मुझे यहाँ पर जाना होगा।
या फिर शायद यहाँ पर जाना होगा। लेकिन कार्ड तो मिल जाए यार, कार्ड क्यों नहीं मिल रहा है मुझे? कार्ड का क्या करूँ, चार डालूँ क्या मैं? बंद हो गई ये जगह मेरे हिसाब से। वहीं वहीं पर जो है मुझे कार्ड मिलने वाला है, ठीक है, इसी वाली जगह पे मुझे कार्ड मिलने वाला है। अभी बस मुझे इसी वाली जगह पर जो है पहुँचना है, क्योंकि पावर ऑन तो हो चुकी है हर जगह की। मुझे टॉर्च लेके नहीं घूमना पड़ेगा। एक सेकंड, यही है क्या वो जगह? लग तो यही रही है। हाँ यही तो थी। इसके अंदर से मिलेगा मुझे कार्ड, गारंटी गारंटी इसी के अंदर से कार्ड मिलेगा। अरे यार इतने सारे रास्ते, यहाँ पर भी एक रास्ता है और इसके लिए भी की कार्ड चाहिए। अरे मैं तो गोल घुमा के वहीं आ गया क्या? अरे मैं तो गोल घुमा के वहीं आ गया। बट जो की कार्ड है वो क्यों नहीं मिल रहा मुझे? इस वाले एरिया में जाता हूँ, डाइसेक्शन में। आया तो मैं यहीं से था, इस साइड में होके आ गया, इस साइड में नहीं गया हुआ हूँ मैं। ये क्या है? इनसफिशिएंट पावर कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड, ठीक है ऑल राइट। तो इस गेट को ओपन करने के लिए मुझे इस मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा। ये गेट बंद है, चलो अभी इस मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे कुछ ज़्यादा बड़ी तोप नहीं है, इसको सॉल्व करना आसान लग रहा है मुझे। ठीक है, पावर मुझे किधर पूरा मुझे चालू करना है, ठीक है ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये यहाँ से पावर आई, अभी पावर यहाँ से नहीं आएगी, पावर अंदर नहीं आ रही है। तीसरे कोई मतलब नहीं है, पहले पावर यहाँ आनी चाहिए ना। ठीक है, सेट अप पावर आई, ऑल राइट ठीक है, आ तो गई है पावर, ऑल राइट। क्या हुआ पावर को? अभी शायद से हो जाए, ऑल राइट। डोर एक्सेस, सिस्टम रिस्टोर्ड, ऑक्सिलरी सिक्योरिटी एक्टिवेटेड। वाओ ये तो स्पाइडर थी, यहाँ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। इट्स मेटाबॉलिक कैपेसिटी इज इनक्रेडिबल अनलेस ऑल द पैरासाइट रेसिडिंग विद इन द ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड, इट्स टिश्यू कैन रीजनरेट इनडेफिनेटली। अपन एग्जामिंग इन द बॉडी विद अ बायो सेंसर स्कोप आई वाज एबल टू कंफर्म दैट पैरासाइट बिहेव लाइक वाइटल ऑर्गन्स फॉर द होस्ट, ऑलमोस्ट एज टफ इट हैज मल्टीपल हर्ट्स। दिस न्यू क्रिएशन ऑफ माइन इज एसेंशियली इमॉर्टल, श्योरली डॉक्टर फ्रैंकस्टीन हिमसेल्फ वुड वॉन्ट टू शेक माई हैंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। आई शेयर द न्यूज ऑफ माई अचीवमेंट विद दैट प्रीटेंशियस बेस्ट कलीग ऑफ माइन, हिज फेस वेंट वाइट, देन ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग समथिंग इन दिस नोटबुक आई हैड। I thought he did be impressed, but instead he actually had the nerve to warn me of the so-called dangers. He is a fool. I have everything under control. The subject went wild and escaped from its cryogenic tank. I was a real fool. चलो, वो एस्केप हो गया है क्या? Christ, what kind of experiments are they doing here? काफी खतरनाक खतरनाक एक्सपेरिमेंट चल रहे थे यहाँ पे। मुझे अभी तक उसका एक्सेस नहीं मिला हुआ है। ऑल राइट, इसका शायद से स्कल है, उस साइड में भी कुछ है। ऑल राइट, तो मुझे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मिल गया है, अभी मैं जा सकता हूँ यहाँ से। एक सेकेंड, तू क्या कर रहा है? ये किधर से आया? अभी तू क्या था? एक सेकेंड भाई, शॉटगन पहलू तुझमें मैं। इसके पास मल्टीपल हर्ट्स है, इसी की बात हो रही थी शायद से। मर गया, एक सेकेंड नहीं मरा, मर जा, ये मर ही नहीं सकता क्या? अबे मर जा बे, मर जा,
मर जा। क्या खा के आया भाई ये? ये क्या खा के आया भाई? मैं निकल लेता हूँ पहली फुर्सत में यहाँ से, मुझे पता नहीं क्या खा के आया है, मैं निकल लेता हूँ। किधर जाऊँ मैं, किधर जाऊँ मैं, किधर से आया था मैं? यहाँ से आया था क्या? एक सेकेंड, ये क्या है भाई? ये है क्या? ये मर नहीं सकता, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मुझे जाना किधर है, मैं किधर जाऊँ? मैं सबसे पहले इस गेट को यहाँ पे खोलता हूँ। लेकिन ये तो लेवल 2 की कार्ड है ना, ये लेवल 2 का है, मेरे पास लेवल 1 का है। लेवल 1 का यहाँ फ्रीजर में मिलेगा मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फ्रीज़र किधर है? एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, फ्रीज़र किधर है? अरे यार ये क्या है, ये क्या फ्रीज़र? इसके अंदर नहीं आ सकता ना ये, इसके अंदर नहीं आ सकता भाई, तू नहीं आ सकता। ओह शिट, मैं गलत जगह आ गया, मुझे इस साइड से जाना था, बाहर जाके फिर से घूमना पड़ेगा। तेरी तो, हट यहाँ से, हट जा यहाँ से। मैं वो वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता चल चुका है ये मरने से रहा, ये मरेगा नहीं। मैं फालतू एमो वेस्ट नहीं कर रहा इसके ऊपर। अरे तू खुल जा, खुल जा, बैटरी लो। अरे अभी कहाँ जाऊँ पावर ऑन करने? कहाँ थी पावर, पावर कहाँ थी? पावर कहाँ थी? पावर कंट्रोल लीवर, ठीक है यहाँ पर थी पावर। ठीक है तो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा वापस। चलो बाय 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 बाय। पावर कंट्रोल लीवर यहाँ थी ना, ठीक है। अरे हो जाना, ये हो क्यों नहीं रही? अरे यहाँ नहीं, अरे अंदर है, अंदर अंदर। चलो चलो अभी सही है, अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, लेकिन ये सामने आ चुका है। अब ये मरने वाला तो है नहीं, तो मुझे सीधा जाके लेफ्ट जाना है। ठीक है ठीक है, तू हट जा मेरे रास्ते से, मैं तुझे मारूंगा नहीं, बस हट जा तू, मुझे पता है मरने वाला नहीं है। कैसे कैसे मॉन्स्टर्स है। चलो एक सेकेंड, ये क्या है यहाँ? लेवल 2 हो जा। प्रोसेसिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन इसके अंदर से और भी पैरासाइट्स आ चुके हैं, मतलब एक से तो मैं झेल नहीं पा रहा था ये इतने सारे। दूर हट जा भाई तू, दूर हट जा, मेरे पास इतने एमो नहीं है, हट जा तू, दूर हट जा, हट जा, हट जा तू, क्या कर रहा है, हट जा। अरे यार गन रिलोड मारता हूँ फटाफट से मैं, ठीक है हो गया है। अबे चलो जो कार्ड है वो तो मुझे मिल चुका है, निकल लो पहले फुर्सत में। अभी किधर जाना है? लेवल 2 का कार्ड मिल चुका है, यानी कि अब मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। किधर जाया जाए? गलत रास्ता, गलत रास्ता, यहाँ पे। अभी किधर? ठीक है इसी के अंदर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा ना हो सकता है, ये तो यहाँ पर है। शिट यहाँ पर है, बच गया, नहीं बचा मैं, नहीं है ना, ठीक है यहीं पर है। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, खुल गया। अब इसके अंदर ना मिल जाए यार, ठीक है चलो। इसके अंदर तो मुझे नहीं लग रहा है कोई है, बट इसके अंदर आके होगा क्या? अब नीचे की तरफ कौन है? सिस्टम्स वाली जगह पर हूँ मैं, मेरे हिसाब से नीचे की तरफ मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। उससे पहले यहाँ पे लूटने के लिए भी कुछ नहीं है, चलो आ जाओ।
तुम्हारी देर थी, आ जाओ। मतलब ये तो ट्रैक है, ठीक है, उनसे ज़्यादा ठीक है ये। ये भी नहीं है मेरे पास। अरे मर गए फाइनली। थोड़ी सी यार ये वाली हार जैसे ही मिलती है ना, मज़ा आ जाता है इसको, इसकी शक्ल देख के ही। और ज़्यादा हेल्थ बढ़ गई है, और तो मुझे मिलेगी नहीं ना। वैसे अंडे से चेक करूँ तो मैं कितनी हेल्थ बढ़ती है, ज़्यादा बढ़ती नहीं है, थोड़ी सी बढ़ती है। तो फिलहाल इसी को यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा है भी नहीं है, तीन चार ही है मात्र। शॉटगन के साइड बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। कुछ नहीं, गन पाउडर पड़ा है यहाँ पे कहीं। एक सेकेंड, ही ट्रेडर इधर क्या कर रहा था? ट्रेडर से तो मैं मिला ही नहीं, लेकिन अभी मिलूँगा, यहीं से तो मिलना है ना मुझे ट्रेडर से। ठीक है, ट्रेडर है वो भी मुझे मिल गया है। ठीक है, उससे पहले ट्रेडर से मिल लेता हूँ, यहाँ से जाने से पहले। एक सेकेंड, ट्रेडर नहीं है यहाँ पे, ये तो इनक्यूबेशन लैब है। ऑल राइट, यहीं पर जो है मुझे अपना लेवल 3 का कार्ड करना था, और यहाँ पे लेवल 3 का काम आएगा ना। ठीक है, मुझे यहाँ पे अपग्रेड कराना पड़ेगा अपना कार्ड, और वो इसी लैब में होगा। मुझे पता है कि इसके अंदर से भी ये कभी भी बाहर आ सकते हैं, तो ज़रा मुझे बचकर चलना पड़ेगा। एक हाथ तो बाहर आ ही जाएंगे इनमें से। हैंड ग्रेनेड, इनके अंदर कुछ है? नहीं है। इसके अंदर कुछ था शायद, सब मशीन गन है, इसके अंदर भी है। यहाँ पे बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं, क्या बात है। इनको तो मैं गलती से भी नहीं फोड़ूंगा। इसके अंदर चलता हूँ फिलहाल, इसके अंदर होगा मेरा कार्ड अपग्रेड। ड्यूरिंग अ रिसेंट पावर आउटेज अटैच सब्जेक्ट अवोक फ्रॉम साइरोजेनिक स्टैटिक्स ब्रोक आउट ऑफ इट्स होल्डिंग टैंक एंड एस्केप। द सब्जेक्ट वॉज कंटेन्ड आफ्टर 20 आवर्स, लीविंग 7 डेड एंड 19 वाउंडेड। वी वर अनेबल टू रिकवर वन ऑफ द बॉडीज एंड द टूल फ्रॉम इनसाइड इट। दिस द कॉज ऑफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इज द अनस्टेबल पावर सप्लाई, द आउटेटेड जनरेटर्स कैन नॉट कीप अप विद आवर डिमांडिंग शेड्यूल। मैनेजमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ द इंजीनियर्स ओवर दोज ऑफ द रिसर्चर्स टू प्रिवेंट समथिंग लाइक दिस एवर हैपनिंग अगेन। बायो सेंसर स्कोप, ऑल राइट, यूज विद एनी स्कोप कंफर्टेबल वेपन। ये सही है, किधर है? इसको मैं इसमें अटैच कर सकता हूँ, यानी कि इस गन में, राइट? ऑल राइट, इससे होगा क्या? मैं अंधेरे में मार सकता हूँ क्या बंदों को? बढ़िया, ये क्या है? चलो इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ मैं क्योंकि बंद है। Need a wrench to get this open. अब रेंच चाहिए मुझे, इसके अंदर से मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी। अब रेंच कहाँ से लाऊँ मैं? रेंच तो मुझे कहीं मिली नहीं, इनके अंदर भी नहीं है। एक सेकंड, इसके अंदर कुछ था क्या? यहाँ नहीं, मतलब बाहर की तरफ ही मिलेगी मुझे जो रेंच है वो। बिना रेंच के मैं उसके उस पार नहीं जा सकता हूँ। इसके अंदर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, कहीं नहीं है। रेंच के लिए किधर जाया जा सकता है? इसको ओपन करने के लिए मुझे रेंच चाहिए, और मुझे लाइक अब तो की कार्ड भी मिल चुका है,
तो मैं वापस तो जा ही सकता हूँ। यहाँ पर राइफल एमो पड़ी हैं, यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। सबसे पहले राइफल एमो ली जाएँ। किधर गया दरवाज़ा, यहीं पे तो था। अरे अच्छा सामने है, इसके अंदर मिलेगा शायद सिरेंज। राइफल एमो। अरे भाई रेंच दे दे यार, नहीं होगा। अभी रेंच ढूंढने के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा क्या? यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं है रेंच। उठा तो लिया राइफल एमो, 10-10 उठाना पड़ेगा क्या? अच्छा यहाँ पे भी पड़े हुए, क्या करूँ रेंच के लिए, रेंच के लिए, रेंच के लिए, रेंच के लिए। पीछे की तरफ जाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से जा नहीं सकता हूँ। इसी के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक काम करता हूँ, अपना ये अपना जो गन है ना उसको लगाता हूँ, क्योंकि अंदर की तरफ मुझे स्कोप मिला तो उसका कुछ ना कुछ काम तो होना चाहिए ना। इनके अंदर दिल है, ठीक है, इनके अंदर तो पता चल चुका है कि इनके अंदर दिल है। इसके अंदर क्या खाली है क्या है? इनके अंदर तो नहीं है रेंच, ये कभी भी जिंदा हो सकते हैं। कितने दिल हैं इनके पास? 1-2-3 दिल हैं। इसके पास कितने हैं? मोटे के पास, इसके पास 2 हैं। इसके पास ऑल राइट, तो इसकी बॉडी के अंदर है रेंच, मतलब मुझे इसको मारना पड़ेगा रेंच को लेने के लिए। शिट, ऑल राइट, गया, टूट गया, बढ़िया। मतलब मैं इस गन से मार सकता हूँ, ये सही है। टूट गया, रेंच मिली गई है। बाकी को बुलाने से कोई मतलब नहीं है, फटाफट से इसे यहाँ पे खोल लेता हूँ। और यहाँ पे अपना कार्ड अपग्रेड लेवल 3 की सिक्योरिटी के साथ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, तू क्या कर रहा है? किधर से आया? गेट बंद था। शेट 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 शेट, इन्हें डायनामाइट फोड़ा हुआ है। मैं निकाल लेता हूँ हैंड ग्रेनेड, भाड़ में जाए। आ जाओ तुम सब के सब, आ जाओ, प्रेजेंट फॉर यू, आ जाओ। और है क्या? मर जाओ मर जाओ मर जाओ, बढ़िया। एक सेकेंड, ये क्या मर रहा है? ये क्यों आ रहा है भाई? अरे शिट 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 शिट, तू रुक जा, क्या तुझे क्या दिक्कत है? अबे शिट, अरे नहीं 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 नहीं, मर गया, फाइनली मर गया। तुम लोग बहुत ज़्यादा बन रहे हो ना। इसको तो मैं और है, और भी हैं शायद। अच्छा वो मैं ना बाहर की तरफ निकल, क्योंकि बाहर की तरफ जाता ना तो ये तो जो है ना ये भी ज़िंदा हो जाते यहाँ पे, और फिर और आफत आ जाती। चलो लेवल 3 का सिक्योरिटी का जो कार्ड है वो बन चुका है, अभी निकला जाए यहाँ से बाहर। काफ़ी सारे बंदे मर गए, और तो कुछ पीछे की साइड भी है कुछ। ये जगह हो चुकी है क्लियर, और यहाँ से निकला जाए बाहर की तरफ। मैं ज़रा हेल्थ मार लेता हूँ, हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। इसके साथ जॉइंट करके मारूंगा मैं पूरी की पूरी हेल्थ, अभी सही है। ऑल राइट, और फटाफट से इसको यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब जो है मुझे बस एशले को जो है बचाना है, और यहाँ पे और कुछ, यहाँ पे कुछ भी जो काम है वो यहाँ पे नहीं है। तो ये रहा मेरा कार्ड, और ये कार्ड लग गया, और ये जो है ओपन हो चुका है। गन सारे रिलोड मार लेता हूँ मैं,
इसमें 200 mAh हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। चलो यहाँ पे भी नहीं है कुछ। ये क्या चीज़ है? हाँ ऑलरेडी खुला हुआ है, मुझे लगा इसके अंदर से कुछ मिलेगा बड़ा सा। चलो ये भी हो गया। इस फैसिलिटी रूम को मुझे ओपन करना पड़ेगा, जो कि डायरेक्टली ओपन हो सकता है। ये रास्ता तो मेरा पूरा जाना पहचाना है। अब जो वाले मॉन्स्टर्स अगर मुझे मिलेंगे ना, तो उनको भी जो है मैं मार दूंगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी है मेरे पास गन और इस गन से मैं जो है कर सकता हूँ कुछ भी। ये तो ओपन हो ही सकता है, और अब तो ये ओपन नहीं हो सकता, इसको तो लाइक एक्चुअली ऊपर जाके ही ओपन कर पाएगी। फटाफट से इसको भी ओपन कर लेता हूँ, मतलब लेवल 3 की सिक्योरिटी उसने यहाँ लगा रखी होगी। एक सेकेंड। ऑल राइट, इसकी एक आंख निकाल ली। इसके ऊपर जो वायरस है वो बहुत जल्दी अफेक्ट कर रहा है, इसको मेडिसिन देनी पड़ेगी, जो कि हाँ जो कि लुइस ने इसको दी हुई थी। ये कुछ टाइम के लिए उस वायरस को रोके रख सकती है मेडिसिन। चलो ये धीरे धीरे जो है हील होने लगी है, और अभी ये कुछ टाइम तक और सरवाइव कर सकती है। You're gonna be okay. एक सेकेंड, इसके ऊपर जो वायरस है वो अफेक्ट कर रहा है अब। ऑल राइट, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक्चुअली के जागने का। और यहां पर ये वाला जो चैप्टर है ये भी यहां पर खत्म हो चुका है, यानी कि चैप्टर नंबर 13 जो है एंड हो चुका है। और यहाँ पे अब ये स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 14, जिसमें कि मेरे हिसाब से लियोन को भी वायरस जल्दी अफेक्ट करेगा। सामने की तरफ से इसका जो सीनियर है वो तो अभी तक आया नहीं है। Certainly. No. Thank you. You brought the medicine just in time. Can you stand? Where's Luis? He's worried about you. Until the end. Come on. इसे थोड़ा बहुत शौक तो लगा है उसके मरने का। Let's get rid of these things. For Luis. अभी यहाँ पे लुइस की जो सिक्योरिटी चाबी है ना, उसके लैब की, वो भी अभी लियोन के पास है। Had a crazy hunch that you'd know where it is. Their most important facilities are housed in their sanctuary at the top of the mountain. That's where I look. Huh. Ada the encyclopedia. Ada the encyclopedia. Happy to help. Oh. Now you owe me. All right. ठीक है। तो यहाँ पर the results of physical examination showed that his body had become infested with the plague, likely during one of the experiments with it. Under the supervision of lead researcher Lewis Serra, an attempt was made to purge the parasite using a form of experimental radiation therapy. 60 minutes into the procedure showed signs of surface shock and we were forced to stop soon after he was pronounced dead. The device uses external beam radiation to burn the parasite from outside the body, similar to the linear accelerator used in the treating cancer. The pain is tremendous and its use could prove fatal. The postmortem autopsy has confirmed that the parasite was successfully destroyed. However, in lieu of these results, we have determined that the device required for the work and should not progress beyond the stage of trial operation. Attached is the irradiation device manual for reference. ठीक है, मुझे कोई डिवाइस वगैरह मिला है शायद। We were imprisoned without warning. One by one, we are taken to the next room. I don't know what happens there. They just took Annabelle. I am probably next. Need to get my head straight. All who are infected with plague will be at mercy of Lord Sadler. If he commands it, they will work themselves to death with a smile on their face.
At firstly, the host become so simple-minded that they are basically useless for any complex tasks. However, we succeed in developing the new superior species of Plaga. It has no special variety, but the host cognitive functions are not diminished. It seems like they plan to administer the new species to the girl. It's clearly important that she maintains her intelligence after infection. All tests were successful and plans for mass production and are moving forward. The project is a complete success, but I have been imprisoned and preparation to inject me with the superior species are underway in the next room. Annabelle is not herself anymore. The smell has been wiped completely from her face. Writing is the only thing that keeps me sane now. Not that anyone will ever read this. Alright, तो यहाँ की जो रिसर्चर है उसने यहाँ पे एक वायरस वगैरह बनाया हुआ है प्लेगा का, जो कि थोड़ा सा एडवांस्ड है. और वो जो वायरस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है और लोगों से जो है थोड़े कॉम्प्लेक्स काम करवा भी सकता है. और यहीं पे लाइक उनका जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा था, मतलब कि उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट वगैरह चल रहा था एक लड़की के ऊपर, जो एक्सपेरिमेंट है वो तो सक्सेसफुल नहीं हुआ और वो जो है मर गई. अभी यहाँ पर जो इसके अंदर रूम में थी ना उसके ऊपर भी जो है उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेके जाने वाले थे, क्योंकि ये रूम जो है ना वो उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह हो सकता है. कायका अच्छा इसके ऊपर जाने के लिए बूस्ट, मुझे लगा कायका बूस्ट चाहिए इसको. चलो यहाँ पर तो कुछ है नहीं है, अभी आगे की तरफ ही निकला जाए. और अभी जाना है मुझे समिट. सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है अपडेट हो चुका है. मेरा जो अपना वो नहीं है, वो जो है ना अपना क्या कहते हैं इसको अपना ट्रेडर, वो बस मुझे नहीं, मुझे जो है मिला नहीं है इस बार. खैर कोई दिक्कत नहीं है, मिला नहीं है तो कोई बात नहीं. मेरी हेल्थ वगैरह तो फुल है, बस निकला जाए इधर से. चलो यू गॉट इट. अब ये जो है साइड से गेट तो खोल ही देंगे मेरे लिए. और मेरे पास बनाने के लिए कुछ सामान वगैरह है मेरे पास, लगभग शॉटगन के सेल्स बनाता हूँ और इससे कुछ बनाने की ज़रूरत है नहीं है. चलो खुल जा गेट. कैमो भी मेरे पास हो चुकी हैं 7 टोटल, 7 में तो पूरी 8 हो गई है. मैंने लाइक उसका अपग्रेड करा लिया था एमो कैपेसिटी. इनको लाइक मैं एंड के लिए बचा के रख रहा हूँ इन सारी की सारी एमोस को, क्योंकि आगे चल के काम आएंगी ये. ऑल राइट, तो मेरा ट्रेडर वो रहा भाई. मैं सोचूँ मेरा ट्रेडर इतने से मिला क्यों नहीं है, वो यहाँ पर बैठा हुआ था. और तो यहाँ कुछ है नहीं है, चलो अंदर चले. ये क्या है? If anyone has a moment to spare, would you please turn those blue medallions into a broken mess on the floor? I know that it won't bring back the old days, but I can't let this stand. All right. तो जो medallions हैं वो यहाँ पे update हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5. इनको जो है मुझे destroy करते हुए चलना है. यहाँ पर कुछ है नहीं इसके. I have something I think you like. मेरे हिसाब से ये जो है मेरे लिए कोई नई चीज़ लेके आया. Breaks over, I suppose. चलो इससे जो है कुछ नई चीजें देख ली जाए इससे. Welcome. I've got something new for you, mate. ये कल लेके आया मेरे लिए, बट इससे पहले इसे सेल कर देना चाहिए चीजें. Thank you. Not bad. Thank you. Come. मैं परचेस करके करूंगा भी क्या, क्योंकि मेरे पास इतनी जितनी जगह तो है नहीं है परचेस करने के लिए, मतलब रखने के लिए इतनी जगह तो है नहीं है. गन पाउडर वगैरह ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरे पास. क्राफ्ट करने के लिए और गन पाउडर तो है नहीं है. चलो इससे चाकू वगैरह ही भेज देता हूँ उसको. ये वाला चाकू फालतू में मिल जाता है मुझे, बूट नाइफ किसी काम का तो है नहीं. Well, I can certainly do something with this. Will that be all then? Why not try your hand at a new gun, stranger? अरे नहीं चाहिए रे तेरी गन, रखा रहे. Li-5 है, स्टैंडर्ड पावर गन है. पावर कुछ ज़्यादा खास नहीं है, नहीं चाहिए. पावर अगर कुछ खास होती ना तो मैं ले लेता, लेकिन नहीं चाहिए मुझे. भाड़ में जा. Don't get yourself kicked. चलो Killed now. बहुत ज़्यादा हंसता है ये. अभी मैं तो जो है इसकी शूटिंग रेंज में तो जाने नहीं वाला.
ऑल राइट, तो ये है मेन मैदान जहां पर कि मुझे उसके साथ भिड़ना होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। और इतनी बड़ी जगह में ब्लू मेडेलियंस कैसे ढूंढूंगा मैं? एक सेकेंड, ये रहा एक। तो हाँ गॉट इट, चल और किधर है? यहाँ बंदे तो मिलने वाले, इतना तो पक्का है। यहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ पर ना, बट वो बाहर की तरफ से नहीं दिख रहा है, यानी कि वो जो है मुझे अंदर की तरफ से दिखेगा। और है क्या? एक आध तीन यहाँ पर हैं, वो भी वहीं से दिखेंगे। चलो चला जाए। बंदों की आवाज़ तो मुझे आ नहीं रही है। ये गेट ओपन होगा क्या? नहीं होगा। Let's find another way. ये रहे बंदे। गया। और कोई है क्या इसके पीछे? है और सत्र परे मोस। अरे 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 अभी जो है मेरे पास, मतलब मेरे साथ जो है एशले है ना, तो मुझे इसको दूर रखना पड़ेगा इन सब लोगों से, नहीं तो ये लोग ना ऐसे उठा के ले जाते हैं और फिर उसके मरने के चांसेस भी रहते हैं। ये भी गया। पीछे की तरफ मैं कुछ छोड़ आया हूं क्या? कुछ हैंडगन एमो ही रहे। यहाँ पे अपना एक ब्लू मेडलिन अंदर की साइड होगा। हो रहा एक आता और है यहीं पर, आगे की तरफ एक और है। ब्लू मेडलियन से ज़्यादा कुछ नहीं होता, मैं बस इसलिए इनको फोड़ देता हूँ जिससे कि मुझे थोड़ी सी सीपी वगैरह मिल जाती है। और कोई चक्कर नहीं है इसका। इसके उस साइड में भी तो रास्ता था ना एक, यहाँ पर भी तो बंदे थे ढेर सारे। अभी ना मुझे शॉटगन सेल्स ढेर सारे मिल रहे हैं, क्योंकि ये सही टाइम है शॉटगन सेल्स के मिलने का। बुरा एक Look at you. चलो सारे के सारे डिस्ट्रॉय तो हो चुके हैं, बट एक आध और बचा है मेरे हिसाब से तो, और वो यहां पर है। ये पता नहीं मुझे जो है कैसे देखने को मिलने वाला है,
बट अगर मैं इसके अंदर चला जाऊँगा तो इसको तो मैं ढूंढ ही नहीं पाऊंगा ना। तो एक काम करता हूँ, फटाफट से जो है मैं उसके पास ना इसको तोड़ने के लिए चलता हूँ। एशली से बोलता हूँ मेरे पास रहने को, नहीं तो कोई पीछे से आके इसके ऊपर अटैक कर जाएगा तो और प्रॉब्लम वाली बात है। उसी साइड में था, मुझे ध्यान देना चाहिए था। खैर यहाँ से रास्ता है नहीं, मैं आया किधर से था, मैं यहाँ से आया था। उसको ना मुझे उस साइड में जाके फोड़ना होगा, ये रहा। हो गया। बहुत धीमे धीमे चलती है ये भी। ये कैसी जगह है? ऑल राइट, एक सेकेंड, यहाँ पे दो दो बंदे हैं। मर तो गए होंगे। एक सेकंड, तेरी तो फेंकेगा। मर गए, एक के साथ दो निशाने। ये वाला गेट यहां से खुलेगा क्योंकि वाला गेट तो बंद था, लेकिन ये भी यहां से खुलने वाला नहीं है क्या? ये यहाँ से नहीं खुलने वाला है मेरे हिसाब से ना, एक टाइप की भट्टी टाइप की है ये, ऊपर जाना पड़ेगा। बंद है। Come on. Hey. ये क्या है? हाँ लीवर। लेकिन मुझे एशले को ऑर्डर देना पड़ेगा इसके लिए। चलो चलो, अंदर से शायद इसका कोई बंद करने का बटन हो। नहीं है बटन, होना चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों गेट साथ साथ में खुलते होंगे। हाँ ये वाला। एक सेकेंड, एशली को कौन पकड़ ले गया? तेरी तो, इनकी तो, तेरी ऐसे कम देती। अंदर किधर जा रहा है तुम्हें बे, निकल यहाँ से। तेरी तो, अबे तू हट जा यहाँ से, हट जा। अबे हट रे तू इधर से, हट जा। एशले को वो लेके गया है। हाँ किधर जा रहे थे तुम? आ जाओ इधर अब। हाँ और किधर है? तुम भी हो, आ जाओ। ये लो एक और था ना डंडी वाला, मर गया शायद। Ashley, are you all right? Yeah. खैर अभी ये वाला दरवाजा तो खुलेगा नहीं, तो वहीं से जाना पड़ेगा उस वाले दरवाजे से। वो नीचे की तरफ गिरा होगा ना उसको लेके, एशली को लेके, तो हुआ ये होगा कि वो गिर पड़ा होगा। एक सेकेंड, son of a bitch, stay back. Got it. और भी हैं। अबे एक सेकेंड, ये भी गया। ये भी गए। यहाँ से नीचे जाने का कोई मतलब तो है नहीं फिलहाल। कम ऑन। ओके। यहाँ पर इनके अंदर भी नहीं है कुछ। गटर आ गया क्या? ये नाला टाइप का लग रहा है ये तो मुझे। अभी इधर से मुझे यहाँ जाना है तो मैं उल्टा उल्टा क्यों आ रहा हूँ?
कार्गो डिपोर्ट से यहाँ जाना था मुझे, मैं यहाँ पे हूँ। कोई सेंस तो बनता नहीं है यहाँ आने का। फैसिलिटी टू, बट ये आया क्यों था मैं? यहाँ पे कहीं पैसे वगैरह पड़े हैं मेरे हिसाब से, ऊपर के साइड पड़े होंगे क्योंकि मैंने ना उसको ऊपर के साइड मारा था। अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता वगैरह देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ से निकलने का रास्ता मेरे हिसाब से यही वाला है, और यहाँ पे वाला जो गेट है ये ओपन हो नहीं रहा था, तो इस गेट को ओपन करने के लिए कोई तरीका तो होगा ना। चलो वापस तो यहीं पर आ चुका हूँ, और मैंने लीवर को डाउन कर दिया था। नहीं, उस लीवर से इसका क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक ही नहीं है ना उससे तो उसका। और यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ है नहीं, नीचे की तरफ जाने का कोई मतलब है नहीं है कि मतलब नहीं हो, नीचे जाके की तरफ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे जाना यहाँ पे, तो इसको मुझे खोलना पड़ेगा, और ये ऐसे खुलेगा नहीं। शिट, एक बार फिर से अंदर की तरफ चलकर देखता हूँ, शायद से मैं ना कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो है जो कि मैं मिस कर रहा हूँ। दरवाज़ा क्यों नहीं खुला? कुछ ना कुछ कारण तो होगा उसका ना खुलने का। यहाँ पे कोई गेट वगैरह नहीं है क्या? ये वाला गेट था, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर भी कुछ, एक सेकेंड। ऑल राइट, हाँ भाई मैं सोचूँ कुछ तो चक्कर होगा यहाँ आने का, और हुआ भी है। क्योंकि वो रास्ता बंद है तो कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए ना अंदर जाने का। और ये है वो रास्ता, चलो पहुंच गया मैं यहाँ पर। अभी ये क्या है, एमरल क्यों छोड़ दी मैंने? इसके लिए दो लोग चाहिए पड़ेंगे इसको खोलने के लिए, तभी जो है फैसिलिटी टू के अंदर जाया जा सकता है। We go at the same time, yeah? चलो got it. अरे गलत, one more time. चलो इसको ना साथ साथ में करना पड़ेगा। okay. We go at the same time. Yeah, okay. अरे यार it's okay. We got this. Last time. This time for sure. Now, now. All right, खुल गया। Yeah. इसके अंदर भी कुछ है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये फिर से आ गया। पार्ट्स इसके अंदर इक्विप। Get back! Freya, you freaking monster! मर जा, मर गया। What the fuck? एक और आ गया क्या? एक सेकेंड, you stubborn son of a bitch. नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, अब तो मर जा। अबे मर जा, ये हो क्या रहा है इसके साथ? मर गया। जीसस कब्ली बास्टर्ड, अजीब था काफी। यू नॉट हर्ट आर यू? नो आई एम गुड। इसको ना इसमें, इसके अंदर मैं छुपा सकता हूँ, मैं भूल गया था। अगर कोई गड़बड़ होती है तो मैं उसको छुपा सकता हूँ उसके अंदर। थोड़ी सी हेल्थ की ज़रूरत है मुझे। चलो फिर से, ओके
इसी टाइप से मैं जो है पहुंचने वाला हूँ उसके अंदर। खुल गया। मेरे हिसाब से वाले जो मॉन्स्टर्स हैं वो मुझे आगे की तरफ और भी ज़्यादा मिलेंगे, अभी जो है कम नहीं हुए हैं वो मॉन्स्टर्स। एक सेकेंड, ये क्या है? पावर नहीं है इसमें। वाटर डिस्पोजल वाली जगह है ये। इस ब्रिज को बना के उस साइड में जाना पड़ेगा और उस साइड में जाके जो पावर है ना वो लेके आनी पड़ेगी। अरे Get this for me. चलो। Leave it to me. I'm actually pretty good at this stuff. प्रेसिडेंट की बेटी है और इसे ना ये सारी चीजें आती हैं। बन जा, बन गया। मॉन्स्टर मॉन्स्टर ना मिल जाए बस यहाँ कोई। यही इसका मेन पावर टर्मिनल होगा शायद। एक सेकेंड, यहाँ से कुछ होता है? नहीं। ऑर्नेट नेकलेस, यहाँ से कुछ नहीं होगा। ऑल राइट, ये ब्रिज वाला ब्रिज है क्या? नोटंग किया है, बहुत चूहे इधर। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं, अभी जो है मुझे इसको ऑन कर देना है। एक सेकेंड, ये आ गए। अब यहाँ से गोल घूम के जाना पड़ेगा क्या? एक सेकेंड, वैश्ले के पास जा रहे हैं। शिट 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 शिट, इनकी तो जल्दी 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 जल्दी। शिट 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 शिट, ऑल राइट, यहीं से रास्ता था ना, यहीं से था रास्ता इनकी तो। ये लो, छोड़ उसको, छोड़ छोड़ छोड़, मर जा, मर गया तेरी तो। रुको उधर, निकल इधर से। निकल, मर गए सबके सब। अबे तू यहीं से भी। एक सेकेंड, ये तो वो वाला है। ए बढ़िया, ए बढ़िया, क्या दिमाग लगाया इसने। मतलब इसके पास भी दिमाग है, मुझे लगा नहीं होगा। अब ये यहाँ पर तो ओपन हो गया है, इसको बस इसे ओपन करना है। बट इसको ना उसके लिए लाइक मुझे पहले की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा ये सॉल्व। पावर वन पे जा रही है ना, ठीक है, आ गई बस। अब क्या, आ तो गई। खुल गया? खुल जा, नहीं खुल रहा अभी भी। खुल क्यों नहीं रहा भाई, खुल जा। ये अभी भी नहीं खुल रहा है, इसको जरा मुझे खोलना पड़ेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो है चारों के चारों में जो है पावर आ चुकी है और अब मैं जो है इसे यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। डोर एक्सेस सिस्टम रिस्टोर्ड, चलो खुल जा। खुल गया। चूहे भी बहुत परेशान कर लेते हैं। अभी मैं कहाँ पर हूँ? अभी तो मैं बहुत ज़्यादा नीचे हूँ और पीछे की तरफ मैं जो एक चीज़ छोड़ के आया हूँ, यानी कि ग्रीन हर्ब। भाई ज़रूरत तो मेरे पास ग्रीन हर्ब की उतनी है नहीं, क्योंकि मेरे पास इनफ चीज़ें हैं। और अभी वापस जाऊँगा उसको लेने, एक बार ट्राई करता हूँ, शायद से पहुँच जाऊँ। किधर थी ये? यहाँ थी क्या?
नहीं उस साइड में थी, यानी कि मुझे इसको फिर से ऑर्डर देना पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा इतना काम, बाहर पे जाए। एक ग्रीन हाँ भी तो है। ऑल राइट गई। और मेरा जो स्ट्रेंजर है ये भी जो है मुझे यहाँ पे मिल चुका है। मैं इसी का इंतजार कर रहा था काफी सारी देर, काफी देर से। आई हैड इनफ डिस्गस्टिंग राइड्स आर रनिंग ऑल ओवर माय एरिया मेकिंग द प्लेस फिल्थी। विल समवन हेल्प मी टू कीप थिंग्स क्लीन एंड टेक केयर ऑफ दोस टाइनी टेरर्स वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, तो मुझे चार चूहे मारने हैं। चूहे जो है वो तो मुझे यहाँ मिलने नहीं वाले। ठीक है, सांप वगैरह रखा है क्या? रखा है ये शॉर्ट गन सेल्स, बहुत शॉर्ट गन के सेल्स मिल रहे हैं भाई। ये भी काफ़ी है, ये भी काफ़ी है, ये भी बहुत है। कुछ है क्या मेरे पास? ग्रेनेड वगैरह जो है मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ इनसे। हैवी ग्रेनेड, फ्लैश ग्रेनेड क्राफ्ट करता हूँ, बढ़िया। और ग्रेनेड को क्राफ्ट करने के लिए मेरे पास अभी भी मेरे पास काफ़ी सारी वो है, तो और क्राफ्ट कर लेता हूँ। हैवी ग्रेनेड क्राफ्ट करता हूँ इस बार, चलो अभी सही है। इससे भी मैं कुछ क्राफ्ट कर सकता हूँ? नहीं, अब मेरे पास जो है एमओ वगैरह ख़त्म हो गई है। अब मैं अपने स्ट्रेंजर से थोड़ी बहुत चीज़ें जो है परचेस कर लेता हूँ। चलो 80,000 रुपये तो मेरे पास हैं ही, कुछ सेल कर देता हूँ सबसे पहले। जैसे कि ये नेकलेस, ये भी और ये भी, और फिर से जो है मेरे पास 1,00,000 के ऊपर हो चुके हैं। अभी इसको मैं क्या दूँ क्या दूँ, बूट नाइफ इस पर बेचता हूँ सबसे पहले तो। और अभी अपना ये रिपेयर करता हूँ, ये रिपेयर करता हूँ बस। इसकी पावर तो जो है मैक्सिमम है ही, एमओ कैपेसिटी वगैरह मैक्सिमम करने की ज़रूरत है नहीं है। इसकी पावर मैक्सिमम कर सकता हूँ मैं। और इसकी पावर, इसके एक सेकेंड, इसकी कितनी है? 10, इसकी 21। बट इसकी एमओ इतनी आसानी से मिलती नहीं है, मेरे हिसाब से इसको कर लेना चाहिए। बट उससे पहले अगर मेरे पास केस वगैरह अपडेट करने के लिए हो तो ज़्यादा बेटर है। या फिर एक काम करता है, कोई गन वगैरह परचेस करता हूँ ना, ट्रेड करने के लिए है क्या मेरे पास इनफ? ऑल राइट, तो 14 हो चुके हैं। इस बार मैं कर सकता हूँ, इसकी पावर पता नहीं कितनी होगी, लेजर साइट परचेस करता हूँ इससे। चलो इंटरेस्टिंग चॉइस, आई मीन इन अ गुड वे ऑफ कोर्स, एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद? All my wares are in tip-top shape, I assure you. मेरे पास फर्स्ट एड स्प्रे कितने हैं? फर्स्ट एड स्प्रे देखता हूँ मैं, दो तीन, तीन दिन पड़े हैं, काफी होते हैं तीन दो। और तो फर्स्ट एड स्प्रे की जरूरत है नहीं है। इसको मैं लाइक पार्ट्स लगाता हूँ इस पे। किस पे लगी है लेकिन ये? इस पे लगी है शायद से। लेजर के चालू नहीं हो रही, इस पे लग नहीं सकती है, इस पे लगेगी नहीं। हाँ इस पे लगी है ना, अभी सही है, बढ़िया। इतनी तो ठीक है, एक आध इसको परचेस कर लेता हूँ बस। बैग जो है मेरा लगभग लगभग फुल हो चुका है। मैं और भी जो चीज़ें हैं क्राफ्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास चार ही गन पाउडर है मात्र। जगह भी मेरी पूरी की पूरी फुल हो चुकी है। मेडिसिन वगैरह बना सकता हूँ क्या? ये भी बनने से नहीं, और यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं। इसको रखा रहता हूँ, काम आएगा बाद में। और हेल्थ मेरी फुल है ही, मतलब कि अब जो है मुझे अपग्रेड वगैरह कराने की उतनी ज़रूरत है नहीं। काम करता हूँ, मेरे पास पैसे तो हैं ही, तो ट्यून अप करा देता हूँ इसको, शॉर्ट गन को, या फिर एमओ कैपेसिटी बढ़ा लूं। इसको बढ़ा लेता हूं, हटाओ। kind of finesse, रेट ऑफ फायर ही बढ़ा लेता हूं। You've exhausted our normal range of services for this weapon. If you're interested, there you are, as you wish. बढ़िया, रीलोडिंग स्पीड भी थोड़ी सी चाहिए मुझे, kind of work is about finesse, और रेट ऑफ फायर भी बस। सारे के सारे जो पैसे हैं वो खत्म हो चुके हैं। 8 एमओ जो है डल चुकी है इसमें, बढ़िया। और इसकी एमओ भी बढ़ा सकता हूँ मैं 18 पे, 19। चलो
अभी जो है मेरे हिसाब से लगभग लगभग सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपको ये वाला जो रेसिडेंट ईविल 4 का एपिसोड पसंद आया हो तो अपनी तरफ से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और मैं आपको मिलता हूँ रेसिडेंट ईविल 4 के नेक्स्ट वाले एपिसोड में ऐसी किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक लिए आप हमेशा की तरह खुश रहिएगा।